व्हाट इज दिस, कहा था मैंने तुम्हें ये डिफिकल्ट, आई एम लुकिंग लाइक अ कार्टून। Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel, another fashion Friday's video. And आज actually मैं करने वाली one of my makeup experiments. So I thought, why not do one of those videos where I do a full face of makeup without using a single brush. एंड या ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अगर तुम मेरी तरह मेकअप न्यूबीज हो, मेकअप एंथूजियास्ट हो पर अभी बहुत कुछ आता नहीं और बहुत तामझाम नहीं चाहिए हो, या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन टू मेनी प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव ब्रशेस, यू डोंट नीड टू एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। मतलब दिस आई हैव अचीव दिस इंक्लूडिंग द आईज विद लाइक वेरी बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स एंड लाइक नो ब्रशेज। So if you're interested in watching this, stick around. And अगर इस चैनल पर नए हो और जो देखते हो पसंद आता है, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon ताकि future में तुम्हें ऐसे videos की notification मिले। और वीडियो शुरू करने के पहले here's a quick look at the makeup products that I'm going to be using today. I have like some really basic makeup products happening here. Some palettes, a foundation, concealer, of course, some eye makeup stuff, eyebrow pencil and liner and kajal. Lip conditioner and compact powder, loose powder, makeup spray. That's all. And maybe I will try and use this today. Let's see. एक और चीज जो मुझे आज करनी पड़ेगी is I'll have to you know compliment my makeup with my hair color. अब तक हम लोग सिर्फ बालों से match करते थे, अब ये भी आ गया है. So yeah. फॉर अ चेंज आज मैं मेकअप की शुरुआत आई मेकअप से करने वाली हूँ. मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये करना और मैं बाद में करती हूँ, एंड इट स्क्रूज अप द रेस्ट ऑफ माई फेस. और मैंने इंस्टाग्राम पे जाकर ना पर्पल आईज हैशटैग डाल के कुछ ढूंढ लिए रेफरेंस फोटोज टू जस्ट गिव माई सेल्फ एन आइडिया ऑफ व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज वी ऑल नीड इंस्पिरेशन. सिंस आई मेकअप करने के लिए यू नीड योर ब्राउज डिफाइंड एंड माइन आर्ट नेचुरली डिफाइंड. सो मैं पहले आईब्रो पेंसिल से शुरुआत करूंगी. ये है द टिंटेड ब्राउ टैटू फ्रॉम मिनीजो. A friend of mine gifted me this. This is a waterproof eyebrow pencil and this is quite good. Huh? Here's the thing with this eyebrow pencil, since ये काफी broad है, इसको मैं यहाँ से ना minutely अच्छे से नहीं कर पाती. So for this portion, मैं अपनी बेनिफिट की आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी, जो which is the one that I swear by, but it's so expensive. This one is for 1100, but इसका जो ओरिजिनल बड़ा वाला वर्जन आता है जो मेरा खत्म हो गया, ये 22 या 2400 की है. इट्स इनसेन. ओप्स, जस्ट अ सेकेंड. इसका भी ना ये पॉइंटेडनेस अभी चला गया बिकॉज ये भी खत्म होते आ गई है. सो इफ एनीबडी फ्रॉम बेनिफिट इज वॉचिंग दिस वीडियो, पॉइंट ऑफ दिस इज इससे तुम्हें एकदम माइन्यूट स्ट्रोक्स मिलते हैं. सो That's not happening right now. See, spoolie I'm allowed to use. हम लोग इसको ब्रश काउंट नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोगों के आईब्रोज होंगे ना, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खास करके पड़ती है. Now let's start with putting some concealer on my eye, the LA Girl Pro Conceal. पहली बार आई मेकअप से शुरुआत कर रही हूँ. Okay, now we are going to start using our fingers. अरे यार ज्यादा लग गया क्या? सॉरी फॉर दैट, मेरा कैमरा रैंडमली बीच में बंद हो गया, बट द कंसीलर हैज ब्लेंडेड आउट प्रिटी वेल. मुझे लग रहा था मैंने बहुत ले लिया मेरे हाथ में. नाउ आई क्लीन माई फिंगर्स बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर आई शेडो पैलेट. तो बड़े दिन बाद मैं फिर से अपना पैट्रिशिया ब्राइट मेकअप रेवोल्यूशन वाला पैलेट निकाल रही हूँ. एंड इसमें आई थॉट बिकॉज यू नो विद माई पिंक हेयर दिस पर्पल विल कॉन्ट्रास्ट ब्यूटिफुली, तो मैंने सोचा कि मैं पर्पल आया तो डेफिनेटली करना चाहती हूँ, बट उसके साथ कौन सा कलर ब्लेंड करने वाली हूँ वो सोचा नहीं है. सो लेट्स जस्ट डू इट एज वी गो. पर्पल के साथ रेड बहुत लग सकता है, बट देन देयर विल बी टू मेनी कलर्स ऑन माई फेस, आईज, हेयर, लिप्स. आई कुड यूज माई पर्पल एंड देन उसके ऊपर मैं ये शिलो शिमर डाल सकती हूँ. ये हुडा के पैलेट वाला काफ़ी अनटच्ड है. So now to start with, सबसे पहले एक बेस कलर में मेरे लिड्स पर लगाऊंगी. आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन, इट्स कॉल्ड क्वीन. आई थिंक आई एम गोना यूज माई मिडिल फिंगर फॉर दिस बिकॉज आई नीड द रिंग फिंगर फॉर द पर्पल कलर. वो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. वक्त आ गया है पर्पल लेने का.
very excited but also very nervous क्योंकि इसके बाद generally things take a wild turn after I get color on my lids. Such a gorgeous purple it is. ये actually यहाँ पर जितना pigmented दिख रहा है उतना मेरे lid पर नहीं है, ज़्यादा कलर डैप करके देख रही हूँ मैं। I feel like थोड़ी सी रिस्क लेती हूँ मैं ये रेड लगाकर। I feel like red on the outer corners will look very pretty with purple, but I just wish this purple came out more, yeah. Okay, क्या नाम है इसका? Pillow top. See, but now what's happening is this color is taking over the purple because it's ज़्यादा pigmented. Okay, मैं purple को और dark करने वाली हूँ अभी. Look at my fingers. अब इस पर ग्लिटर तो बनता है यार, कौन सा ग्लिटर लगाऊँ? एक ये बड़ा ही चमचमाता रेड ग्लिटर है, बहुत ही हॉट है बट नॉट राइट नाउ. ये हुडा के स्मोकी आई पैलेट का सिल्वर है. आई कांट इवन शो इट यू प्रॉपरली क्योंकि ये जो ब्लैक है ना ये पूरा क्रम्बल हो गया. वाओ, क्वाइट पिगमेंटेड. दिस कैन मेक और ब्रेक आर गेम. आर यू रेडी फॉर दिस? Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Oh shit, low lash pe to lagaya nahi. Don't you think itna level ka blending is quite okay because I'm still using my fingers and this is not bad na? So mere paas ye do teen colored kajal sticks hai and for the low lash I can go with my purple stick. किसी तो काम में आए ये बस मैं खरीद के रख लेती हूँ, यूज़ ये होती है नहीं. इट्स कॉल्ड ग्लैमर आईज, इट्स फ्रॉम नायका, वायलेट विजर्ड 06. नाउ आई एम गोना गो वॉश माई हैंड्स प्रॉपरली क्योंकि अब मुझे कंसीलर फाउंडेशन लगाना है एंड आई कांट हैव दीज कलर्स. पहले ये सारे एक्ने मार्क्स जो है वो हम छुपा दें. बाय द वे इफ यू गाइस डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू वुडंट नो मैंने 21 डेज ऑफ नो डेयरी करने का डिसाइड किया है. सो स्टार्टेड दैट ऑलरेडी. आई एम नॉट हैविंग एनी डेयरी प्रोडक्ट्स एट ऑल और मैंने चाय बंद कर दी, मेरी सबसे पसंदीदा. सोचो क्या क्या गुजर रही है मुझ पर. लेट्स सी हाउ दैट गोज. मैंने सुना है कि डेयरी बंद करने से तुम्हारे एक्ने में बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आई वॉन्टेड टू गिव दैट अ शॉट. If the world was ending, are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Quite neat. Thoda thoda baki hai aankhon ke niche aur didn't put it properly on my forehead. काफ़ी नीटली ब्लेंड हुआ है मेरा कंसीलर एंड दैट इज़ बिकॉज आई हैव बिन यूज टू पुटिंग ऑल दिस विथ माई फिंगर्स. पहले मैं ब्रशेज तो मैंने अभी अभी लिए हैं तो मुझे एक्चुअली आदत थी ये फिंगर्स से एटलीस्ट फाउंडेशन लगाने की इफ नॉट कंसीलर. ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी हमेशा की तरह इफ यू न्यू टू द चैनल. और मेरे मैक फाउंडेशन का शेड कौन सा है यू गाइस आस्क मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. इट्स NC44. इट्स द मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15. सो आई एम लिटरली पैटिंग इट. मैं इसको पहले, अगर तुम लोगों ने मेरे एकदम पहले वाले वीडियोज देखे होंगे, मैं पूरा स्मच कर देती थी.
although usme bhi kabhi mujhe kuch bura nahi laga, but apparently the right way is to pat it. Okay, thoda zyada aaj lag gaya kya foundation hamesha se. I think my face, okay, there's a little too much foundation, or maybe because I'm not able to blend it properly with my fingers. Cool, now what I've done is जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा पैची वैची लग रहा था ना उसको मैंने थोड़ा और ब्लेंड कर लिया. आई थिंक मेरे चेहरे पर बहुत कलर्स होने वाले हैं विद ऑल दिस, तो आई विल गो फॉर द लाइटेस्ट मे बी इन दोनों को मिक्स करके. ओह शिट, ब्लश मैंने कभी नहीं लगाया यार उंगलियों से. पाउडरी ब्लश भी है तो ये बड़ी इजीली ब्लेंड हो गया. डिडंट टेक मच टाइम. नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. आज मैं हाइलाइटर लगाने की कोशिश करने वाली हूँ. ये NYX का हाइलाइटर है जो, एंड इट्स अ लिक्विड हाइलाइटर सो इट्स नॉट ईजी टू अप्लाई. बहुत फटाक से ये ड्राई हो जाता है सो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. हैंग ऑन. कहाँ लगा दें हाइलाइटर? ऑन द नोज हियर एंड ओ मुझसे शुरुआत करते हैं. सी इट्स वेरी प्रिटी. वैसे हाइलाइटर क्यों लगाते हैं नाक पे और वहाँ? लाइक कैन समबडी टेल मी इन कॉमेंट्स बिलो द रीजन. आई जस्ट नो दैट दिस इज डन. लाइक आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस. नाउ वी हैव अ लिटिल मोर हेयर ऑन माई हैंड. लेटिंग गो, या इट इज क्वाइट स्केयर्ड ऑफ दिस हाइलाइटर. या सी 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 हाउ फास्ट इट्स ड्राइड. इट्स नॉट, ये अच्छे से मैं ब्लेंड नहीं कर पाती हूँ इसको. ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. Okay, I think I'm ruining it. Ruining my decently done face with this highlighter. See, it's not working out. Nose pe it worked out really well, but not on my cheekbones. लाइक अ कार्टून जोकर लग रही हूँ यार. अब ये निकालू कैसे यार? कहा था मैंने तुम्हें ये डिफिकल्ट है. पर ये इतने जल्दी क्यों ड्राई हो जाता है? इसको क्या जल्दी है? ये रुक क्यों नहीं सकता थोड़ा 2 सेकंड? पर मैं वेट टिश्यू से इसे थोड़ा लूजन आउट कर रही हूँ सो आई कैन ब्लेंड इट. ओह माय गॉड, इट्स बिकम डार्कर. आई कैन टेक सम कॉम्पैक्ट एंड जस्ट. मेरा फेस मुझे हमेशा से काफी ज्यादा लाउड लग रहा है, पता नहीं क्यों. मुझे ऐसा बहुत लाउड मेकअप करने की आदत नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने ज्यादा फाउंडेशन लगा दिया. और मे बी इट्स द लाइट, आई डोंट नो व्हाट इज इट. एंड नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि लिपस्टिक कौन सा लगाया जाए. I feel like I want to go with a red. So I feel like Ruby Woo is not a bad call. पर मेरा Ruby Woo भी खत्म हो गया है. I need, this is one lipstick that I cannot stay without. मतलब मेरे हमेशा होना ही चाहिए. This is my go-to red lipstick. Look at how gorgeous the red is. ये dusky और dark skin पे भी इतना hot लगता है ना. बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा red मिला जो मुझे मेरे skin पे पसंद आया. अरे आई फॉरगॉट अबाउट मस्कारा. हाउ लाइक दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लिपस्टिक है इट कैन बी स्लाइटली ब्राइटर और मेरा वो प्रोडक्ट निकल नहीं रहा है उसमें से, सो आई एम जस्ट गोना गो विद दिस नाउ. हार्ट ब्रेक. ओ माय गॉड, ओ मुझे लगा ये टूट गया. इट्स देयर, इट्स अलाइव. हार्ट ब्रेकर फ्रॉम हुडा, अनदर रेड दैट लुक्स एक्सट्रीमली हॉट ऑन डस्की स्किन टोन. गॉड आई कॉन्ट बिलीव आई हैव डन दीज आईज. मतलब यहाँ पर ना मुझे इस फोन के स्क्रीन पर ढंग से नहीं दिख रहा था, तो आई वेंट इन टू माई बाथरूम मिरर. वहाँ पे इट्स वेरी वेल लिट एंड ऑल एंड आई सॉ एंड आई वाज लाइक आई डिड दिस.
I'm very happy with this result, dude. Like, it's quite good for an amateur who doesn't know how to do makeup and जिसने किसी भी brush का इस्तेमाल नहीं किया. ये बहुत बुरी तरह, it's not blended very badly to be honest. और जो मुझे पहले लग रहा था कि purple नहीं दिख रहा है, वो भी ऐसा mild वाला, subtle वाला purple दिख रहा है because of the glitter, और वो भी actually काफी सही लग रहा है. I'm so proud of myself. Okay, I didn't need to do that, but I'm very happy. And the way the eyes are looking with my hair and the lips and everything is fallen just in place. I finally know, मतलब 1% of how to do makeup and I'm glad. Let me know, तुम्हें ये look जो है, जो मैंने सिर्फ अपने fingers use करके create किए, वो कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं लगा? If you guys are beginners at makeup, trust me, I'm as much a beginner as you are. तो अगर मैंने ये कर लिया तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो. अगर तुम, इफ यू गिव दिस अ शॉट, इफ यू ट्राई दिस, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर सुंदर सुंदर फोटोज ऑन इंस्टाग्राम. मेरी हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की होती है. वाओ, आई कांट गेट ओवर हाउ अमेजिंग दिस इज. मतलब मुझे अभी जाकर करोड़ों फोटोज लेने ही पड़ेंगे इसको वसूल करने के लिए. सो आई एम गोना गो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव एनी मेकअप एंथुजियास्ट फ्रेंड्स, प्लीज उनके साथ ये शेयर कर दो. और एनी मेकअप बिगिनर्स लाइक मी हु यू नो स्ट्रगल टू डू मेकअप वेरी इजी, दिस वॉज यू नो कोई भी कर सकता है ये. अगर नए हो इस चैनल पर और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो. And yeah, that's it. On that note, I'm going to go and see you guys real soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye-bye.